कानपुर देहात में चोरी की घटना का हुआ खुलासा। लगभग 6 लाख के चोरी के सामान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर देहात पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब दुकानों का शटर काटकर चोरी करने 2 सदस्यों वाले चोर गिरोह हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने बीती 19 दिसंबर को अकबरपुर कोतवाली के रनिया में हुई मोबाइल शॉप की दुकान में चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने दोनों के पास से करीब 6.5 लाख के चोरी के 26 मोबाइल, एक बाइक और सीसीटीवी कैमरे का जला हुआ DVR को बरामद कर लिया। पुलिस से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। जो माल बरामद हुआ क्या है पूरा मामला? ये अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंदर रनिया कस्बे में 18-19 इसी माह को 18-19 की मध्य रात में एक नकबजनी हुई थी मोबाइल शॉप में, जिसमें 70 महंगे मोबाइल और लैपटॉप, उसका हार्ड डिस्क, ये सब नकबजनी के जरिए चोरी कर लिया गया था। और चूँकि काफ़ी बड़ी चोरी थी, एक चुनौतीपूर्ण कार्य था पुलिस के लिए, इस पर थाना पुलिस से और स्वाट की जो टीम है वो दोनों इसमें लगाई गई थी। और अभी ये आज इसमें 2 अभियुक्त वहाँ पे रनिया जो गजनेर मोड़ है वहाँ से आज सुबह भोर में ये जब अरेस्ट हुए तो इनसे काफ़ी जब पूछताछ हुई तो इसमें जो 70 मोबाइल गए उसमें से 26 अदद मोबाइल और जो हार्ड डिस्क उन्होंने जला के खेत में फेंक दिया था उसकी बरामदगी हुई है। इस बरामदगी के आधार पर इनमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें ये गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। सर, कुल कितने का माल होगा जो बरामद किया गया है? जो इनके मोबाइल थे महंगे थे, लगभग 8 से 10 हज़ार की कीमत की ये ओप्पो के मोबाइल लगभग सभी थे। तो इसमें जो 70 मोबाइल था इसलिए इसमें कई लाख का मामला था, क्योंकि इसमें सारे लगभग 10 हज़ार के मोबाइल थे। उससे रेशियो में आप जाएंगे तो करीब 6-7 लाख का माल था इसमें। थैंक्स। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।